Hello friends, if you have been reading today's newspaper, so you must have been quite aware ki aaj ki newspaper mein sabse zyada jo news aayi hai wo aayi hai about the Katowice rules. So there is something that is known as the Katowice rules. Now ye Katowice rules jo hain ye aaj ki newspaper ke har editorial mein mentioned hai. Aaj is particular lecture ke andar hum baat karenge Katowice rules ke bare mein. जो कैटोवाइज रूल्स हैं इसके ऊपर चार प्रोमिनेंट आर्टिकल आए हैं आज के अखबार में, जो कि एक एक्सप्लेन पेज पे था इंडियन एक्सप्रेस के, बाकी दो एडिटोरियल्स थे ऑफ अगेन इंडियन एक्सप्रेस और एक था हिंदू का एडिटोरियल. सो देयर वर थ्री एडिटोरियल्स एंड वन एक्सप्लेन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू न्यूज़पेपर टुडे. किस चीज के बारे में? कैटोवाइज रूल्स. हर एक आर्टिकल के अंदर कैटोवाइज की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों चारों आर्टिकल्स की समरी बनाकर हम तीन डिफरेंट वीडियोस प्रेजेंट करेंगे. पहले जो वीडियो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट ऑफ कैटोवाइज, कि कैटोवाइज रूल्स हैं क्या चीज, व्हाट ऑफ कैटोवाइज रूल्स. द सेकेंड वीडियो, जो सेकेंड वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अबाउट लकुने और नॉट लकुने, लेट्स टॉक अबाउट, सी ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक. सो इंस्टेड ऑफ लकुने व्हाट विल डू, विल डिस्कस अबाउट अचीवमेंट्स एट कैटोवाइस एंड थर्ड द लूप होल्स ऑफ द कैटोवाइस rules related to climate change. All right. So, ये तीन dimensions होंगे तीन अलग अलग videos के regarding the same topic, that is the Katowice Conference of Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change. चलिए, तो इस particular video में हम बात करेंगे what of Katowice, बाकी सब चीजों को हटा देते हैं. What of Katowice? So, पहली चीज हम बात करते हैं कि कैटोवाइस रूल्स क्या चीज है. 15 दिसंबर 2018 एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. उसके मेंबर पार्टीज की एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे सीओपी. COP of United Nations Framework Convention on Climate Change was held around this date in Polish. Polish matlab city of Poland, of Polish city Katowice. Yani ki Poland ki ek city hai jiska naam hai Katowice. Us Katowice city ke andar United Nations Framework Convention on Climate Change ki Conference of Parties organized hui thi, जिसके अंदर एक रूल्स साइन हुए हैं. दीज रूल्स आर नाउ नोन एज कैटोवाइस रूल्स. ठीक है, इन रूल्स को बोलते हैं कैटोवाइस रूल्स. ऑलराइट, नाउ बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू कि फ्रॉम 1991 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना हुई और उसके बाद अलग अलग समय पे इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसको ऑर्गेनाइज किया. जो इस साल वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी दैट वाज द 24th इन द सीरीज, जिसको बोलते हैं सीओपी 24. सो सीओपी 24 वाज हेल्ड एट कैटोवाइस इन पोलैंड. जैसे फॉर एग्जांपल जो सीओपी 21 है वो पेरिस में हुई. इससे पेरिस से पहले कई अलग सिटीज में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन रिकॉल क्योटो. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट बाली. सो देयर आर वेरियस अदर सिटीज जहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है और जो 24th वाली है वो ऑर्गेनाइज हुई है कैटोवाइस के अंदर, जहां पे इन सारी कंट्रीज ने एक रूल बुक प्रिपेयर करी है जिसको बोलते हैं कैटोवाइस
rules. Alright, Katowice rules. Now going ahead into a greater detailed information about the Katowice rules, let us see ye karenge kya. What will the Katowice rules do? Katowice rules was signed by 196 countries. It is a 156 document, 156 page document. जो किसके बारे में बात करेगी? अबाउट इंप्लीमेंटिंग द पेरिस क्लाइमेट डील. और ये जो पेरिस क्लाइमेट डील है ये 2015 में साइन हुई थी इन द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट पेरिस. ठीक है, तो कैटोवाइज रूल्स क्या है? कैटोवाइज रूल्स आर द रूल्स दैट आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द पेरिस क्लाइमेट डील. और ये जो पेरिस क्लाइमेट डील है ये 2015 में साइन हुई थी. एंड कहां पे साइन हुई थी? एट पेरिस अंडर द हेडिंग ऑफ 21st मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो कैटोवाइज रूल्स आर नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द पेरिस क्लाइमेट डील्स. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द व्हाट ऑफ द कैटोवाइज रूल्स. थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाते हैं. जो पेरिस क्लाइमेट डील है दिस इज जस्ट स्टेप्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल पीरियड. ऑलराइट, सो पेरिस क्लाइमेट डील, देखिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. जो क्योटो प्रोटोकॉल 2008 में इंप्लीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल 2008 में इंप्लीमेंट हुआ वो 2020 में एक्सपायर हो जाएगा. क्योटो प्रोटोकॉल 2008 में इनेक्ट हुआ था to reduce the emission of greenhouse gases. वो 2020 में एक्सपायर हो जाएगा. तो डिफरेंट कंट्रीज डिसाइडेड टुगेदर कि 2020 के बाद में क्या करा जाए जिससे ग्रीनहाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस किया जाए. तो दोस कंट्रीज दे केम आउट विथ समथिंग दैट इज नोन एज द पेरिस क्लाइमेट डील. अब पेरिस क्लाइमेट डील में लिखा हुआ है कि आपको एमिशन रिड्यूस करना है, बट कैसे रिड्यूस करना है, आपका इवेल्युएशन कैसे होगा, आपका मेजर कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं. उन चीजों को इस साल कंट्रीज ने मिलकर कोडिफाई किया और उस कोडिफाइड डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कैटोवाइज रूल्स. ऑलराइट, सो पेरिस क्लाइमेट डील को इंप्लीमेंट करने के लिए कैटोवाइज रूल्स आए हैं. और जो पेरिस क्लाइमेट डील है इट इज द स्टेप्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल पीरियड यानी आफ्टर 2020. ठीक है, 2020 के बाद में कैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करना है उसके ऊपर बात करती है पेरिस क्लाइमेट डील. और पेरिस क्लाइमेट डील को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स आए हैं जिनको बोलते हैं कैटोवाइज रूल्स. ऑलराइट, फाइन, सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैटोवाइज रूल्स. नाउ व्हाट आर, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाके देखते हैं कि पेरिस क्लाइमेट डील ने क्या कहा था. पेरिस क्लाइमेट डील सेज दैट the temperature of the environment should not reduce to 2 degree centigrade se jyada temperature increase nahi karna chahiye from pre industrial levels. All right, so paris climate deal kehti hai ki 2 degree se jyada temperature rise nahi karna chahiye from pre industrial levels of the world. Otherwise, it will result into catastrophic events that will be really harmful for the mankind or the global population in general. So this is about the Katowice rules. This is about the Paris Climate Deal. And in simple words, जो Katowice rules हैं, वो Paris Climate Deal को implement करने के लिए आ रहे हैं. ये इस particular video का subject matter था. सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि कैटोवाइज के अंदर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई उसमें क्या चीज डिटेल में डिस्कस हुई है, क्या उसका अचीवमेंट रहा है.
इन द थर्ड वीडियो विल बी लुकिंग इनटू कि केटोवाइस में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई उसमें क्या कमी इन्होंने छोड़ दी. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू इन द सेकेंड वीडियो अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द केटोवाइस रूल्स. कीप ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. बाय.